ममता बनर्जी के नेता ने खोल दी पोल। विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लगाए आरोप। नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती लूट रही पैसा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। टीएमसी नेता ने दावा किया है कि पार्टी के ही नेता पैसा लूट रहे हैं। अब इस नेता को टीएमसी ने नोटिस थमा दिया है। टीएमसी नेता श्रीकांत ने मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, जून मालिया, सायोनी घोष, संयिता बनर्जी जैसे नेताओं पर पैसा लूटने का आरोप लगाया है। वायरल हो रहे एक वीडियो में श्रीकांत मेहता को तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के बारे में खुलासा करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में वो कह रहे हैं, पहले हमने अभिषेक बनर्जी, सुब्रत बख्शी को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो समझना नहीं चाहते थे। फिर हम कैसे जीवित रह सकते हैं? उन्हें कहना चाहिए कि बुरे लोग होते हैं। महादेव से शुरू होकर संध्या राय, जून मालिया, साइनी घोष, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, अगर वो पार्टी के लिए जरूरी हो गए हैं तो हम अब इस पार्टी का हिस्सा नहीं बने रह सकते हैं। आगे टीएमसी नेता ने कहा, अगर ये नेता पैसे लूटकर पार्टी के लिए जरूरी बन जाते हैं तो हम मंत्री नहीं रह सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस कैबिनेट के सभी मंत्री चोर हैं। पार्टी उन चोरों की ही सुनेगी। हमें नए रास्ते तलाशने होंगे। हमें इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना होगा। आपको बता दें कि श्रीकांत मेहता पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी से विधायक हैं। मेहता के इस वीडियो के सामने आने से टीएमसी के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है। टीएमसी के पश्चिम मेदिनीपुर के समन्वयक अजीत मैती ने रविवार को कहा कि मेहता को उसके इस बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मैती के मुताबिक कारण बताओ नोटिस के जवाब में महतो ने उस बयान पर खेद जाहिर किया और कहा कि ऐसा भावनाओं में बहने के चलते हुआ। श्रीकांत मेहता के इस वीडियो के बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि अब तक टीएमसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि बीते दिनों कैबिनेट मंत्री रहे पार्था चटर्जी और अनुव्रत मंडल को केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पार्टी ने पार्था चटर्जी को निलंबित कर दिया है। हालांकि भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।